ये है पोखरी गांव, श्रीकोट चौबट्टा से आगे पड़ता है। मेरे एक बसर भाई, हम तो परेशान हो गए इस रोड पे। देखिए यहाँ तो मेरे को लग रहा है गाड़ी आई भी नहीं होगी लास्ट टाइम, पता नहीं कब। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज एक बार फिर से आपको डेली व्लॉग में स्वागत है। हम लोग जा रहे हैं पौड़ी, तो किसी को छोड़ने जाना है। अभी बज रहे हैं सुबह के 5, अभी भी यहाँ पे कैसे अंधेरा सा हो रहा है, तो चलते हैं। तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं घर से, और देखिए अभी भी उजाला हुआ नहीं। 5 बजे बहुत अंधेरा था, इसमें भाग वगैरह भी आगे आ जाता है। अब तो फिर भी उजाला होने लग गया थोड़ा बहुत, तो चलते हैं। तो फाइनली हम पहुंचने वाले हैं चोली, जहां से उनको लेना है। अभी भी मौसम ढंग से साफ नहीं हो रहा है, यहां पे धूप आ नहीं रही है। रोड की हालत देखिए कितनी ख़राब है यहां पे। ये है चोली गांव, यहीं से लेके जाना है उनको हमें। अब तो थोड़ा थोड़ा सा मौसम खुल चुका है, सामने धूप भी आ गई। तो हम लोग पहुंच चुके हैं सोली में, अब यहाँ से निकलेंगे पौड़ी के लिए। पौड़ी से भी आगे जाना है हम लोगों को। ये हमारे उस्ताद जी रानी भाई, पहुंच चुके हैं चंदा देवी। पहुंचने वाले हैं पाटी सैन, यहाँ से कठमंगलिया है 5 किलोमीटर। लोग पहुँच चुके हैं ज्वालपा देवी, नीचे मंदिर है ज्वालपा देवी का। ये ज्वालपा देवी की छोटी सी मार्केट है ये, और नीचे ये मंदिर है, जय माँ ज्वालपा देवी। ये रूट सीधा जा रहा है पौड़ी पे, दिल्ली पौड़ी हाईवे बद्रीनाथ तक जाता है आगे। पौड़ी से श्रीनगर, श्रीनगर से बद्रीनाथ, ये तो बहुत बढ़िया रोड है, काफ़ी चौड़ा भी है। ये है पौड़ी मार्केट, रानी कृपाली साइड। हम गाड़ी बैक कर लिया है ऊपर, हमको थोड़ा सा काम है, उसके बाद जाना हमें केसू चौबट्टा। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं पौड़ी मार्केट में, यहाँ से जाना है हमें केसू ब्लॉक। तो अभी आ रहे हैं जिनको लेके जाना है, उसके बाद चलेंगे। तो फाइनली हम लोग निकल रहे हैं पौड़ी से खिरसू के लिए, खिरसू चौबट्टा जाना हमको। गाड़ी आगरे मिल क्या वो? तो फाइनली हम लोग बुआ खाल से निकल चुके हैं। खिरसू चौबट्टा के लिए निकल चुके हैं हम लोग बुआ खाल से। ये इधर की लोकेशन, ये रोड है इधर के, देखिए डायरेक्ट खिरसू चौबट्टा। फिर से ब्लॉग भी है ना उधर, कितना मस्त लग रहा पौड़ी यहाँ से।
पौड़ी नीरे एक बसर। तो फाइनली हम लोग पहुंचने वाले हैं चौबट्टा, सिरसू चौबट्टा है। चौबट्टा है, एक चौबट्टा खाल हमारे इधर है, नौगांव खाल चौबट्टा, लेकिन ये है खिरसू चौबट्टा। यहाँ से 5 किलोमीटर नीचे है खिरसू, और ये वाला रोड आगे जाता है पावो पैठानी, पावो पैठानी ये रोड जाता है। ये पहुंच चुके हैं खिरसू, सारे रिजोर्ट वगैरह हैं यहाँ पे, टूरिस्ट के मतलब के जो पौड़ी आते हैं, पौड़ी से यहाँ जाते हैं घूमने। ये इधर की लोकेशन खाकरा खेड़ा खाल श्रीनगर सीमा से, तो यहाँ से किधर जाना है हमको, ये देखिए नीचे गांव, दूर दूर बड़े बड़े गांव हैं यहाँ पे। लोकेशन यहाँ के ऐसे देखिए जंगल बहुत है यहाँ पे, हमारे इधर जो है जंगल थोड़े से कम पड़ते हैं। एक मार्केट और आई पता नहीं कौन सी है, तो बड़े गांव है, एक गांव है एक नीचे है, काफी बड़ा गांव है, अच्छा भी लग रहा है यहाँ पे। रोड है तो कोई मालूम क्या पता करें बेटा, तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं पोखरी, और जो हमारे साथ ही भतीजा है इनकी ज्वाइनिंग हुई है नौकाल पोस्ट ऑफिस में, और एक डाकघर यहाँ पे भी है पोखरी में, लेकिन पोखरी वाले में नहीं है, और नौकाल में भी तो मैं दिखाता हूँ कितनी दूर है पोखरी। और इस लड़की की जो ज्वाइनिंग हुई है वो है नौकाल, काफ़ी दूर है यहाँ से, वो सामने दिखाई दे रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, वो है नौकाल। यहाँ से रोड है नहीं वहाँ के लिए, पैदल जाना पड़ेगा 1.5 किलोमीटर नीचे, तो देखते हैं अभी क्या होता है। इनके लिए रूम वगैरह भी देखना पड़ेगा यहाँ पर रहने के लिए। ये है पोखरी गांव, श्रीकोट चौबट्टा से आगे पड़ता है 10 किलोमीटर यहाँ की लोकेशन। मेरा नीचे नीचे जो है पोस्ट ऑफिस है। तो मैडम इधर से रास्ता साफ है, इधर से ठीक है। तो भाई हम लोग रास्ता भटक चुके हैं, अब आ रहे हैं हम वापसी खिरसू, खिरसू से फिर दूसरे रूट पे जाना पड़ेगा हम लोगों को, और हम लोगों को जो है रास्ता मालूम नहीं था यहाँ का। हम मैडम लोग मिले हैं हमें, तो लोग गाइड कर रहे हैं। तो रोड तो भाई गजब, बहुत ही खतरनाक रोड है, देखिए इसमें तो अगर नया ड्राइवर हो, बहुत ही खतरनाक रोड, इस पर नए ड्राइवर की तो बस की है नहीं गाड़ी चलाना। सामने मंदिर, जगह जगह पत्थर आने का भी खतरा है, देखिए ये देखिए सारे पत्थर आए ऊपर से। सामने की लोकेशन, ये नीचे पूरी खाई, खतरनाक खाई है यहाँ नीचे, ये देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर आए हैं। भाई सच में यहाँ पे तो डर लग रहा है, इस रोड पे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं, पहुँचते पहुँचते हमने एक बज चुका है यहाँ पे, और रोड बहुत ख़राब है यहाँ पे, डर भी लग रहा था, ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं बार बार, और कीचड़ गाड़ी फिसल भी रही है। दिखाता हूँ मैं गांव आपको, यहाँ की लोकेशन, ये वाला गांव है ग्राम सुरल गांव। गाड़ी
बस्ती वाला गांव है, ये पोस्ट ऑफिस, इसकी बच्ची की जन्म हुई यहाँ पे। और हम लोगों को अभी इसी रास्ते से जाना पड़ेगा वापस, बहुत डेंजर रास्ता है। यहाँ पे तो सही है लेकिन पीछे जहाँ से आए हम 5 किलोमीटर बहुत ख़तरनाक रास्ता है। और यहाँ की लोकेशन दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए गांव सामने शायद बता रहे हैं बुगानी गांव है, वो है बुगानी, उधर ही देवलगढ़ रोड भी है कहीं। और ये वाला रोड जो है ये श्रीनगर जा रहा है, श्रीनगर गढ़वाल 20-25 किलोमीटर है शायद यहाँ से श्रीनगर। तो अब हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं बस सामान उतार के, तो अच्छा सामने पोस्ट ऑफिस, प्रधान जी का घर है सिवाल गांव। दोस्तों हम लोग सोच रहे थे आज ट्रेवल व्लॉग बनाएंगे बलेरो से, लेकिन आते आते इतनी खतरनाक रोड पे हम आ गए, इसमें तो बहुत डर लग रहा है, जगह जगह जो है पत्थर गिरने का खतरा है और गिर भी रहे पत्थर, हालत हो रही ख़राब डर से। तब हम उनको छोड़ के वापसी आ चुके हैं कच्चे रोड पे, अभी भी 2-3 किलोमीटर बचा है कच्चा वाला रोड, तो चलते हैं दिखाता हूँ आपको रोड कितना ख़तरनाक है। इतने बड़े बड़े आ रखे हैं ये देखो, पूरे खतरनाक आ रखा है, देखिए यहाँ पे पत्थर गिरने का खतरा, पत्थर भी देखो किस टाइप के हैं ये, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पत्थर गिरने का खतरा। तो दोस्तों हम बुरी तरह से थक चुके हैं इस रोड पे, इतनी ख़तरनाक रोड है, हम सोचे थे ब्लॉगिंग करने की लेकिन करते करते खुद ही थक गए, रोड इतना ख़तरनाक है कि डर भी लग रहा है, जगह जगह पत्थर आ रखे रोड में और गिर भी रहे कहीं कहीं। तो अब सोचते हैं अब चलें घर, अभी खाना वाना भी खाएँगे, गाड़ी की सफाई हो गई यहाँ पर, देखिए कितना बड़ा गधेरा है, जब बरसात होगी तो इसमें गाड़ी नहीं निकाल पाएगा कोई भी, कहाँ गाड़ी निकलेगी इसमें। सुबह से हम लोगों ने भी नाश्ता वगैरह भी निकला कुछ भी, अभी थोड़ा सा ऊपर चले जाए पक्के रोड में तो फिर जान में जान आएगी, बहुत ही खतरनाक रोड है। ऊपर शादी हो रही है यहाँ पे खेत में, ये बराती शराती, हाँ डीजे पे हो गया घपला सामने, ये देखिए हो गई लड़ाई। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए पक्के रोड में, यहाँ पे खाने वगैरह कुछ देखते हैं व्यवस्था क्या होता है। ये एक छोटा सा ढाबा, यहीं से हम रोड भटक गए थे, हमें जाना था नीचे श्रीनगर वाले पे, वहाँ से कच्चे रास्ते पे हम चले गए थे इधर ऊपर वाले पे, 2 घंटे हमारे ख़राब हो चुके हैं, अब खाते हैं कुछ। यहाँ से श्रीनगर 29 किलोमीटर और खिरसू 2 किलोमीटर ऊपर, बुगानी 12 किलोमीटर श्रीनगर वाले रोड पर। पहुँच चुके हम पार्टीसन मार्केट, हमने डलवाना था गाड़ी में तेल, तेल डलवा के अब जा रहे हैं हम घर के लिए। तेल मार्केट है पार्टीशन की। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं गंगा देवी मार्केट में, अब चलते हैं घर, आते आते बज गए 5, सुबह 5 बजे के निकले हुए हैं। फाइनली दोस्तों पहुंच गया था मैं घर पे, पहुंचते पहुंचते हो गई थी काफ़ी रात, और वीडियो करते हैं समाप्त। तो वीडियो आप लोग देखते रहें, लाइक शेयर कमेंट करना, अगर आप नए हो तो चैनल को करना सब्सक्राइब, धन्यवाद।